इस मूवी की शुरुआत में ऐश और उसके दोस्त जंगल के रास्ते कहीं जा रहे होते हैं, जहां पे ऐश को डॉक्टर यंग की तरफ से एक इनविटेशन लेटर मिलता है, जहां पे ऐश के अमेजिंग बैटल स्किल्स देखते हुए डॉक्टर यंग ऐश को इनवाइट करते हैं अपनी लैब में एक नया बैटल सिस्टम दिखाने के लिए। फिर अगले सीन में वो सब उस लैब में पहुंच जाते हैं, जहां पे मिस्टी और प्रोफेसर ओक भी थे। मिस्टी और प्रोफेसर ओक बताते हैं कि उन्हें भी यहाँ पे आने की इनविटेशन लेटर मिला था। इनकी ये बातें चल ही रही होती हैं, तभी वहाँ पे डॉक्टर यंग आते हैं और इन सभी का वेलकम करते हैं। फिर सभी लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर डॉक्टर यंग अपना नया बैटल सिस्टम दिखाने लगते हैं। वो अपने हाथ में लिए हुए डिवाइस को एक्टिवेट करते हैं, जिससे ग्राउंड में लगे हुए छोटे छोटे डिवाइसेस शाइन करते हैं। इस तरह से पूरी जगह शाइन करने लगती है। फिर प्रोफेसर लोग बताते हैं कि ये एक मिराज फील्ड है, जिसके अंदर मिराज पोकेमोन आसानी से मूव कर सकते हैं। वो सारे डिवाइसेस अपने अंदर से एनर्जी निकालने लगते हैं। वो एनर्जी मिलकर एक पोकेमोन में फॉर्म होती है। ऐसे ही करके बहुत सारे पोकेमोन्स फॉर्म हो जाते हैं। फिर प्रोफेसर लोग बताते हैं कि ये सब मिराज पोकेमोन है। इसमें डॉक्टर यंग बताते हैं कि मेरा मिराज सिस्टम किसी भी पोकेमोन को क्रिएट कर सकता है, उसकी बॉडी, इंटेलिजेंस और आवाज को लेकर। फिर डॉक्टर यंग ऐश और मिस्टी को इनवाइट करते हैं अपने मिराज पोकेमोन से बैटल करने के लिए। फिर मिस्टी के स्टारयू और डॉक्टर यंग की एग्रॉन के बीच बैटल शुरू होती है। स्टारयू बबल बीम यूज करता है, लेकिन एग्रॉन का उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता। यहाँ पे एग्रॉन एक मिराज पोकेमोन है। और फिर एकदम से एग्रॉन स्टारयू के ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है, जिससे स्टारयू नॉकआउट हो जाता है। इसी बीच दीवार के पीछे से एक म्यू भी इनका बैटल देख रहा होता है। ऐश के पिकाचू की नजर भी म्यू पर पड़ती है। फिर सेकंड बैटल होती है ऐश के पिकाचू और एग्रॉन के बीच। लेकिन जब एग्रॉन अटैक करने जा रहा होता है, तो एग्रॉन में कुछ ग्लिच होता है, वो गायब होने लगता है और डॉक्टर यंग का अपने डिवाइस से कंट्रोल भी हट जाता है और वो डिवाइस ब्लास्ट हो जाता है, जिससे डॉक्टर यंग जमीन पे गिर जाते हैं। और फिर सारे मिराज पोकेमोन आने लगते हैं, जो कि डॉक्टर यंग को नहीं पता कि ये सब कैसे आ रहे हैं। मेरा कंट्रोलर तो टूट चुका है। फिर हमें लैब के छत पे एक मिस्टीरियस बंदा दिखता है। फिर वो बंदा हंसते हुए बोलता है कि अब तुम्हारा मिराज सिस्टम मेरे कंट्रोल में है। तो ऐश पूछता है, तुम कौन हो? वो कहता है, मेरा नाम मिराज मास्टर है। प्रोफेसर ओक और डॉक्टर यंग कहते हैं, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मिराज मास्टर बोलता है, क्या चाहिए होगा मुझे? और ये कहकर वो सारे मिराज पोकेमोन से सभी पर हमला करवा देता है। सभी भागने लगते हैं, क्योंकि वो इतने सारे पोकेमोन से बैटल नहीं कर सकते। भागते टाइम एक एरोडैक्टाइल आकर डॉक्टर यंग को पकड़कर अंदर ले जाता है। प्रोफेसर ओक भागते हुए बोलते हैं कि ये मिराज पोकेमोन सिर्फ मिराज फील्ड के अंदर ही मूव कर सकते हैं, तो तुम सब लोग यहाँ से बाहर जाओगे तो ये तुम पर हमला नहीं कर पाएंगे। तो सभी लोग बाहर जाने के लिए भागते हैं। इसी बीच मैक्स नीचे गिर जाता है। प्रोफेसर ओक मैक्स को उठाते हैं और आगे भेजते हैं। वो सब लोग बाहर आ जाते हैं, पर प्रोफेसर ओक के बाहर आने से पहले एक एरोडैक्टाइल आकर उन्हें भी पकड़ के अंदर ले जाता है। और फिर हमें लैब का सीन दिखाया जाता है, जहां प्रोफेसर ओक के सामने मिराज मास्टर होते हैं और प्रोफेसर ओक को बहुत सारे मिराज पोकेमोन ने घेर रखा होता है। मिराज मास्टर प्रोफेसर ओक से प्रोफेसर ओक के लैब का डेटा और पासवर्ड मांगने लगता है, जिसको देने से प्रोफेसर ओक मना कर देते हैं। मैं तुम जैसे किडनैपर को अपना कोई डेटा नहीं दूंगा। बाहर ऐश की टीम डिसाइड करती है कि हम में से कोई एक जाकर ऑफिसर जैनी को ये सब बताएगा। ऐश और मिस्टी प्रोफेसर ओक को बचाने के लिए अपने वाटर पोकेमोन से एक टनल की तरफ से जाते हैं और मे और मैक्स बाहर ही रहते हैं। लैब के अंदर मिराज मास्टर बोलता है कि कोई ना कोई पोकेमोन किसी अटैक से कमजोर होता है। मैं एक ऐसा पोकेमोन बनाऊंगा जो किसी भी अटैक से कमजोर ना हो। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, हर किसी पोकेमोन में वीकनेस होती है और स्ट्रेंथ होती है, इसी वजह से वो उनको खास बनाती है। अगर तुम इसको बिगाड़ोगे तो तुम नेचर के खिलाफ जाओगे। फिर मिराज मास्टर एक मशीन दिखाता है, जिसमें पोकेमोन को बना सकते हैं। ये देखकर प्रोफेसर ओक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऐश और मिस्टी अपने पोकेमोन की मदद से लैब के ग्राउंड बेस पर आते हैं, यानी सबसे नीचे वाले हिस्से में। इन दोनों को मिराज मास्टर एक कैमरे से देख रहा होता है, तो वो अपने सारे पोकेमोन से इन दोनों को पकड़ के ले आने के लिए कहता है। वो सारे पोकेमोन मिस्टी और ऐश के पास पहुंच जाते हैं, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम इन पोकेमोन से बैटल करेंगे और हराने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो मिराज पोकेमोन थे, वो उनको आसानी से हरा कर पकड़ के ले जाते
जाते हैं। ऐश पिकाचू को मे और मैक्स के लिए एक मैसेज भेजने को कहता है, तो पिकाचू बड़ा सा थंडरबोल्ट करके दीवार में होल कर देता है, जो मे और मैक्स देख लेते हैं। ये देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ है, तो वो अंदर जाने का डिसाइड करते हैं अपने वाटर पोकेमॉन्स की मदद से। बैटल में ऐश का पिकाचू अर्सरिंग की पकड़ से छूट चुका होता है, पर फिर पिकाचू के ऊपर और विराज पोकेमॉन अटैक करने लगे हैं, तो पिकाचू थंडरबोल्ट चलाता है, लेकिन वो थंडरबोल्ट उन पोकेमॉन की जगह ऐश और मिस्टी को लग जाता है, जिससे ऐश तो साइड में गिर जाता है लेकिन मिस्टी सीधा नीचे गिर जाती है। इधर मिराज पोकेमॉन पिकाचू को नॉकआउट कर देते हैं। ऐश पिकाचू को बचाने जाता है, लेकिन मार्चैंप ऐश को धक्का दे देता है, जिससे ऐश भी नॉकआउट हो जाता है। सारे मिराज पोकेमॉन पिकाचू को लेकर चले जाते हैं। फिर म्यू आता है, म्यू ऐश को जगाता है। ऐश जागने के बाद म्यू से पूछता है, क्या तुम एक मिराज पोकेमॉन हो? म्यू सर हिलाकर हाँ बोलता है, तो ऐश बोलता है, तुम दूसरे पोकेमॉन की तरह नहीं हो। एक पिलर गिरने की वजह से म्यू फील्ड के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। ऐश उसे बचा लेता है। फिर म्यू साइड में इशारा करता है और वहां पे साथ जाने के लिए ऐश को फॉलो करने को बोलता है। मिस्टी ने एक फ्लोर को पकड़ रखा था, इसलिए वो अभी तक गिरी नहीं, लेकिन जिस पिलर को पकड़ रखा था उसका रॉक ढीला हो जाता है, जिससे मिस्टी गिरने वाली होती है, लेकिन मैं उसे बचा लेती है। उधर मिराज पोकेमॉन पिकाचू को मिराज मास्टर के पास ले आते हैं। मिराज मास्टर पिकाचू की मेमोरी से काफी सारा डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिससे पिकाचू को बहुत दर्द हो रहा था। उधर स्क्रीन पर पिकाचू की मेमोरीज में बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स दिखाए जाते हैं, पर पिकाचू को इतने ज्यादा दर्द में देखने के बाद प्रोफेसर ओक अपने लैब का डेटा और पासवर्ड देने को तैयार हो जाते हैं। मिराज मास्टर पिकाचू को छोड़ देता है और फिर प्रोफेसर ओक अपने लैब का डेटा एक्सेस करने को दे देते हैं, जिससे सारा डेटा मिराज सिस्टम में आने लगता है। फिर प्रोफेसर ओक कुछ देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। मिराज मास्टर बोलता है, मैंने तुम्हारे लैब के डेटा के थ्रू सारे लैब के डेटा को एक्सेस कर लिया है, जिससे भी कनेक्ट था, यानी अब मेरे पास पूरे वर्ल्ड का डेटा है। अब तुम देखने वाले हो दुनिया के सबसे ताकतवर पोकेमॉन को बनते हुए, और जो मशीन हमें दिखाई थी उस मशीन में एक पोकेमॉन क्रिएट होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें ब्रॉक को दिखाया जाता है, जो ऑफिसर जैनी को मनाने की कोशिश करता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन ऑफिसर जैनी मानने को तैयार नहीं थी। तभी नर्स जो कॉल आती है, वो बताती है कि वर्ल्ड वाइडली कोई सारे लैब का डेटा डाउनलोड कर रहा है। फिर ब्रॉक बोलता है, कर रहा है। ये सुनकर ऑफिसर जैनी को यकीन हो जाता है। फिर लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे म्यू और ऐश भी आ जाता है और वो उस पोकेमॉन को बनते हुए देखने लगते हैं, और थोड़ी ही देर में वो एनर्जी होल एक म्यू टू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वहां पर मे और मिस्टी भी आ जाती हैं। वो म्यू को देखकर शॉक हो रहे होते हैं, पर वो म्यू टू को देखकर और ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मिराज मास्टर बोलता है, ये वो वाला म्यू टू नहीं है जिसको तुम सब जानते हो, ये एक मिराज म्यू टू है जिसके पास अनगिनत ताकत है। फिर मिराज मास्टर म्यू टू बोलकर सारे मिराज पोकेमॉन के ऊपर शैडो बॉल करवा देता है, जिससे सारे मिराज पोकेमॉन गायब हो जाते हैं। मिराज मास्टर प्रोफेसर ओक के ऊपर भी अटैक करवाता है म्यू टू से, लेकिन प्रोफेसर ओक ड्रैगनाइट को निकाल लेते हैं, जिससे ड्रैगनाइट बचा लेता है उसके अटैक को। फिर प्रोफेसर ओक सभी को बाहर चलने को बोलते हैं, लेकिन ऐश पूछता है, डॉक्टर यंग का क्या? तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे रुक कर कुछ नहीं कर सकते, हमें बाहर ही जाना होगा। नेक्स्ट सीन में सब लोग बाहर आ जाते हैं। जैसे ही ये सब बाहर आते हैं, लैब से बहुत सारी मिसाइल फायर होने लगती है। ये सारी मिसाइल नहीं होती, ये सब मिराज डिवाइसेस थे, जो कि अपनी जगह पर लगने के बाद अनलिमिटेड रेंज प्रोवाइड करते हैं, जिससे म्यूटू कहीं पर भी जा सकता है बाहर। फिर मिराज मास्टर बाहर आता है और अपने डिवाइस से बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन क्रिएट करता है, जिसमें एंटी, ज़ेबडॉस और आर्टिकूनो होते हैं। फिर प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि मिराज मास्टर रुक जाओ, या फिर मैं ये बोलूं, डॉक्टर यंग रुक जाओ। ये सुनकर मिराज मास्टर और ऐश की टीम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। ऐश बोलता है, यानी प्रोफेसर मिराज मास्टर ही डॉक्टर यंग है? लेकिन हम सबने देखा था, मिराज मास्टर पहले आया था और डॉक्टर यंग को एक एरोडेक्टाइल पकड़कर ले गया था। तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि जो हमने पहले देखा था वो एक मिराज मास्टर का होलोग्राम था, और डॉक्टर यंग का पकड़ा जाना ये सब डॉक्टर यंग के एक ईवल प्लान का हिस्सा था। फिर मिराज मास्टर हंसते हंसते अपने मास्क और हैट को उतार देता है। आखिर तुम्हें कैसे पता चला मैं ही मिराज मास्टर हूँ? तो प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी बिहेवियर और तुम्हारे वर्ड से पता लग गया था कि तुम मिराज मास्टर नहीं, डॉक्टर यंग हो। फिर डॉक्टर यंग अपनी कहानी बताते हैं कि वो बहुत सालों से मिराज पोकेमॉन के ऊपर काम करते हैं। उनकी
थ्योरी हर बार फेल होती जा रही थी, वो अपने कॉलेज में भी इसी के ऊपर काम कर रहे थे, जिससे उन्हें कॉलेज से भी निकाल दिया जाता है। और एंड में डॉक्टर यंग बोलते हैं कि इस बार मेरी थ्योरी सही है और अब उसका अंजाम देखने के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर सारे लेजेंडरी पोकेमोन ऐश की टीम के ऊपर अटैक कर देते हैं। ऐश की टीम अपने सारे पोकेमोन निकालती है और अटैक करवाते हैं और वो सारे पोकेमोन आसानी से हार जाते हैं। लास्ट में म्यूटू डोमिनेट कर रहा होता है। लास्ट में म्यूटू ऐश के पिकाचू के ऊपर एक फाइनल अटैक कर देता है, लेकिन म्यू पिकाचू को बचा लेता है। ये देखकर डॉक्टर यंग को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलते हैं म्यूटू से कि जाओ इसे सबक सिखा कराओ। फिर म्यूटू म्यू के पास जाके पंच मार के बहुत दूर फेंक देता है और ऊपर से दो हाइपर बीम चलाता है दोनों हाथों से, जिससे म्यू गायब हो जाता है, जो देखकर ऐश की पूरी टीम शॉक हो जाती है। अब डॉक्टर यंग सारे लेजेंडरी पोकेमोन को गायब कर रहा होता है और जो उनसे एनर्जी निकल रही होती है वो म्यूटू में ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर होने के बाद म्यूटू पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और उसके आसपास एक ब्लैक ऑरा निकलती है। फिर म्यूटू अपनी बॉडी में सारे पोकेमोन के फेस क्रिएट करके हाइपर बीम, सोलार बीम ऐसे ही बहुत सारे अटैक कर देता है। तो ऐश की टीम के पोकेमोन भी बचने के लिए उन पर अटैक करते हैं, लेकिन वो अटैक इतने पावरफुल थे म्यूटू के कि सारे पोकेमोन ऐश की टीम के हार जाते हैं। ऐश पिकाचू को थोड़ा मोटिवेट करता है तो पिकाचू उठता है और थोड़ी सी एनर्जी और लगाकर म्यूटू के ऊपर क्विक अटैक करता है। ये देखकर म्यूटू को गुस्सा आता है तो म्यूटू भी क्विक अटैक करता है, जिससे पिकाचू और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। फिर डॉक्टर यंग बोलते हैं मेगा पंच का यूज करके पिकाचू को खत्म कर दो। और फिर म्यूटू जब मेगा पंच मारने वाला होता है तो उसे एकदम से कोई चीज रोक लेती है। पीछे म्यू आता है, उसी ने मिराज म्यूटू को रोक रखा था। म्यू प्रोफेसर ओक को कुछ इशारा करता है, प्रोफेसर ओक उसको समझ जाते हैं। प्रोफेसर ओक समझकर सबको बोलते हैं म्यू और म्यूटू दोनों मिराज सिस्टम के बने हुए सबसे ताकतवर पोकेमोन हैं और म्यू कहना चाहता है सिर्फ म्यू ही म्यूटू को हरा सकता है। फिर मैक्स पूछता है कि अगर म्यू ने म्यूटू को हरा दिया तो म्यू का क्या होगा। तो प्रोफेसर ओक बताते हैं फिर म्यू भी गायब हो जाएगा म्यूटू के साथ। फिर म्यू रिक्वेस्ट करता है कि वो हम दोनों पे अटैक करे। ऐश को अटैक करवाते वक्त बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो दिल पे हाथ रख के पिकाचू से वोल्ट अटैक करवाता है, जिससे म्यूटू तो खत्म होता ही है लेकिन साथ ही साथ म्यू भी खत्म हो जाता है। म्यू को गायब होते हुए देखकर सब बहुत सैड हो जाते हैं, लेकिन सब और कुछ कर भी नहीं सकते थे। और उसके बाद ही सारी मिराज मिसाइल, मिराज सिस्टम, पूरा लैब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे डॉक्टर यंग की लैब में आग लग जाती है। प्रोफेसर ओक डॉक्टर यंग से बोलते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, क्या तुम हमारे साथ आने वाले हो। तो डॉक्टर यंग मना कर देता है और बोलता है कि मुझे अभी भी और काम करना है मिराज सिस्टम पे। और ये बोलकर डॉक्टर यंग अपनी आग लगी हुई लैब में चले जाता है। प्रोफेसर ओक उन्हें रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन काफी सारे पत्थर गिर जाते हैं तो प्रोफेसर ओक डॉक्टर यंग को नहीं रोक पाते। थोड़ी देर में ऑफिसर जेनी आ जाती है। वो बोलती है कि हमें कोई भी प्रूफ नहीं मिला है कि डॉक्टर यंग कहां गए हैं। फिर मैक्स बोलता है कि मैं अभी भी यही सोच रहा हूं कि म्यू वापस कैसे आ गया, था तो वो भी एक डेटा ही। फिर प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि था तो वो एक मिराज पोकेमोन, लेकिन उसके अंदर के आत्मा एक असली पोकेमोन की जैसी थी, जिसकी वजह से मिराज सिस्टम म्यू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसलिए मिराज सिस्टम ने जब म्यू को एब्जॉर्ब किया तो वो ब्लास्ट हो गया। तो ऐश बोलता है म्यू सबसे बेस्ट है, तो पिकाचू हाँ कहता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी पूरी हो जाती है। ये मूवी आई थी पोकेमोन के 10 साल पूरे होने पर और ये एक स्पेशल मूवी है, तो थोड़ी सी छोटी थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।